प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सौंप दिया। वहीं आज शाम दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की हुई बैठक में सर्वसम्मति से पीएम मोदी को अपना नेता चुन लिया गया। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। इस बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। इसके बाद आज शाम नई सरकार के गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की हुई इस बैठक में सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे और तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद किया। आपको बता दें कि मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 जून को एनडीए के संसदीय दलों की बैठक होगी और अगले दिन यानी 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी बृहस्पतिवार को नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं।